तो आज दिखाएंगे हम आपको कि स्वरम कैसे पकड़ा जाता है। बोरी हटा दे, फ्रेम भी साइड पे कर दे, रख फ्रेम साइड पे। वो देख नेक्टर सारा गिर गया उसके ऊपर। फ्रेम साइड पे कर, अंदर नहीं रखना है। ले आ पेटी आगे, पेटी बिल्कुल इसके साथ, जो ना छोटा बॉक्स है इसको लगा बिल्कुल इसके नीचे। चल और आगे कर दे, ले जा और आगे, बिल्कुल ले जा, ले जा उस साइड में, मुंह थोड़ा उस साइड कर ले। हाँ मुंह उस साइड कर ले, थोड़ा आगे और आगे धक्का दे, और आगे कर, और आगे को, हाँ आगे करते चलो। बस अब एक फ्रेम है ना, ये अपने बॉक्स और उसके साथ में खड़ा रख ले, ऐसे बॉक्स के ऊपर खड़ा रख ले, जहाँ पे ये स्वरम बैठा हुआ है इसके साथ में खड़ा रख ले। हाँ बिल्कुल, बस बस हाथ से छोड़ दे, गिरेगा थोड़ी ये। थोड़ा सा झाड़ दे इसको, फ्रेम थोड़ा इधर करके थोड़ा सा झाड़ दे इसको। हाँ झाड़, बिल्कुल बिल्कुल, बस बस अब ये खुद जाएगा इसमें। इस फ्रेम को भी झाड़ दे, किसी सुपर में डाल जिसमें ज़रूरत है। हाँ और क्या, शीट एक लगा लेंगे इसमें, है ना, झाड़ दे इसी के ऊपर, एक शीट लग जाएगी हमारी, ये किसी सुपर में डाल दे, ऊपर ही झाड़ना बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे झाड़, हाँ बिल्कुल, तो आप देखिए, आप जो हमारा स्वरम था वो खुद ही जो है हमारे नक्स में आने लगी है, इससे हमारा जो है टाइम बच जाता है। जिसमें ज़रूरत होगी सुपर में उसी में बैठ जाएगा, उसके बाद में हम वहाँ पहुँचते तो उससे थोड़ा जो है टाइम लेट हो जाता है। तो सही तरीका यही है, जल्दी से आप अपना कोई भी बॉक्स लेके और फ्रेम लेके वहाँ पे पहुँच जाइए और फ्रेम निकाल के वहाँ रख दीजिए, ताकि जो हनी बीज हैं वो आके उस पर बैठ जाएँ और आपका स्वरम जल्द से जल्द कैप्चर हो जाए। तो मैं आपको बाप को यही बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना वीडियो आगे तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो ऐसे ही अपना स्वरम अपने बॉक्स में जा रहा है जिसमें हमने फ्रेम डाले हुए थे। ये देखिए, यहाँ से मक्खियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं,
जो हमारी वर्कर बीज हैं ये चढ़ रही हैं और बॉक्स में जा रही हैं।